नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हुआ हूँ दैनिक पंचांग का कार्यक्रम लेकर के। दैनिक पंचांग 24 अप्रैल 2022, आज के तिथि वार नक्षत्र योगकरण की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आज का राहु काल का अशुभ समय क्या रहने वाला है, अभिजीत मुहूर्त और गोलिक काल का शुभ समय क्या होगा, और आज का जो दिशा शूल है कौन से दिशा में आज आपको यात्रा करने से बचना चाहिए, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं दैनिक पंचांग 24 अप्रैल 2022। बैसाख माह ग्रीष्म ऋतु कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि के साथ सूर्यदेव उदय होंगे। नवमी तिथि पूरे दिन भर व्याप्त रहेगी। आज का वार रविवार है। श्रवण नक्षत्र 5:52 सायंकाल तक रहेगा, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। आज का योग शुभ योग 11:03 रात्रि तक रहेगा, उसके बाद शुक्ल योग होगा और तैतिलकरण 3:42 दोपहर तक, और उसके बाद गर्करण होगा। राहु काल के अशुभ समय की बात करें तो राहु काल का अशुभ समय आज 5:15 सायंकाल से प्रारंभ होगा, जो कि 6:51 सायंकाल तक रहेगा। अभिजीत का शुभ मुहूर्त 11:53 मध्याह्न काल से प्रारंभ होगा और 12:46 मध्याह्न काल तक रहेगा। वही बात गोलिक काल की करें, गोलिक काल का समय 3:35 दोपहर से लेकर के 5:13 सायंकाल तक रहेगा। राहु काल में किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत राहु काल में न करें। अभिजीत मुहूर्त और गोलिक काल में सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। अभिजीत मुहूर्त में धर्म कर्म पूजा पाठ दान पुण्य के कार्यों को करना चाहिए और गोलिक काल में यात्रा व्यवसाय नौकरी से संबंधित दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य करने चाहिए। आज श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है, दोनों ही नक्षत्र पंचक के नक्षत्र है, तो पंचक इत्यादि का विचार अवश्य करें। आज का जो दिशा शूल है पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में आज विशेष रूप से जाने से आपको बचना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करते हैं, आप नौकरी व अपने कामकाज के लिए पश्चिम दिशा की ओर जाते हैं, तो आपको कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा की यात्रा कर रहे हैं ही अथवा दलिया का सेवन करके ही पश्चिम दिशा की यात्रा करें, और यात्रा करते समय देखें जिस भी नासिका क्षेत्र में से श्वास अच्छी तरह चल रहा हो उसी पैर का पहला कदम भार रखें और उसी से यात्रा प्रारंभ करें, इससे यात्रा सुखद व मंगलमय होगी। जिन दर्शकों का आज जन्मदिन है, आप सभी दर्शकों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परम पिता परमेश्वर आपको यश आयु कीर्ति प्रदान करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन पर पूजन अवश्य करें। जन्मदिन पर किया गया पूजन व क्रूर ग्रह का दान 1 वर्ष तक लाभ देने का कार्य करता है, इसलिए जन्मदिन पर पूजन अवश्य करना चाहिए। जिन दर्शकों की आज विवाह वर्षगांठ है, आप सभी दर्शकों को विवाह वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सौभाग्य सुख प्राप्ति हेतु माँ पार्वती व भगवान भोलेनाथ का पूजन करना न भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन मंगल में हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।